और बीजेपी नेता और नोहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी टिकट पर प्रबल दावेदार काशीराम गोदारा ने क्रिश वार्ता का टिकट की दावेदारी जताई है। गोदारा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक विफल सरकार है। गोदारा ने कहा कि इन 5 सालों में प्रदेश में अपराध भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन पेपर लीक की घटनाओं ने नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया है। गोदारा ने दावा किया है कि प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों से परेशान जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाना है। वहीं अपनी टिकट के सवाल पर गोदारा ने उन्हें उम्मीदवार बनाने की मांग की है। देश के बीच में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, ऐसे काम करते करते मोदी जी निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। इधर दूसरी बात करें तो हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार 2018 के विधानसभा चुनाव के समय में और कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी राजस्थान में 10 चुनावी सभाएं की थी। सभी 10 चुनावी सभाओं में झूठ बोला और वो भी एक सरल सीधे साधे पवित्र किसान वर्ग जो अन्नदाता है, देश का पालन पोषण करने वाला ऐसा भयंकर वर्ग है, उसके सामने झूठ बोला। 10 दिनों में कर्जा माफ करने की बात कहकर के उमरा करके वोट लेकर के सरकार बनाने का काम किया।